दरख्तों की टहनियों में दावत देता हूँ बस कोई नहीं मेरे पंडित सादर खान के तमाम साथियों ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। दोस्तों ये उसी का एक हिस्सा है कि अल्लाह की करम नवाजी सब कुछ होता है, बंदे के कुछ करने से कुछ नहीं होता। बंदा जो है वो तो सकता है किसी के मतलब गुमान कर सकता है कि जो है ना ये गिर जाए, इसका प्रोग्राम तहस नहस हो जाए, ये रुसवाई का सबब बन जाए, लेकिन बनाने और बिगाड़ने वाली जात से अल्लाह बिगड़ता है तो अल्लाह ताला से और बनता है तो अल्लाह ताला से। इसलिए हर तब हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहना, अल्लाह से मांगते रहना, अल्लाह के नबी के सदके कोशिश करते रहना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी की वो आरज़ू पूरी नहीं करती होती जो उसकी अपनी ज़ाती मांग होती है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो दोस्तों अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की कि मैं इतना वक्त भी इस दुनिया में गुजारूं उसका खासा ये हो कि मैं अपने भाइयों को लिए खिदमत का होता हूँ, ये हकीकत है। हमेशा दुआ मांगता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हद तक मेरी दुआ को कबूल करवाया। बंदा अपना जीत के पल्ले कुछ ये सिर्फ खुदा की करम नवाजी का नतीजा है। और बड़े बड़े लोगों ने आके मुखालफत में दावे किए और मेरे उम्र के लोग जो हैं वो सब उन्होंने ये हाल हवाल सब देखे हुए हैं। नई नस्ल के बच्चों को नहीं पता क्योंकि आजकल फिर कोई सोचा फिरते हैं ऐसे ही ढंडोरा फिरते, लेकिन नीयत का दुरुस्त होना ही सब हमारी नीयत गिराने की नहीं है किसी को, हमारी नीयत इंशाल्लाह ताला अपने इलाके को बनाने की है। ये अफगान हुसैन के नारे बजेंगे, 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 ये अफगान हुसैन के नारे बजेंगे। तो मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ, ये तो नियत कर सकते हैं, ये तो बात बन सकती है कि हम इलाके के बनाने की कोशिश में शामिल रहे, लेकिन कहेंगे किसी को गिरा लेंगे ये खासा अल्लाह ताला, गिरा कोई इंसान नहीं सकता। और उसकी नियत भी ऐसी हो जब तभी सोच नहीं होगी तो अल्लाह ताला उसको मौका भी मुयस्सर नहीं करेगा। इस वास्ते हर पार्टी का हर ग्रुप का उस वक्त तक कामयाबी का जो मामला है उससे नहीं कोई जीत सकता। अल्लाह ताला की मेहरबानी शामिल हाल हो और आपस में इत्तेफाक हो जी, आपस में इत्तेफाक हो, प्रोग्राम ये हो कि सामने मियां खादिम हुसैन ग्रुप का साथ भी देना है
और उसके उनके साथियों की एक दूसरे भाइयों की इज्जत एहतराम भी करना है और एक कंधे से कंधा मिला के चलना है, फिर इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम को कोई आंच नहीं। ये जो मामलात है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। आज हम एक फंक्शन में शामिल है, अल्लाह तबारक ने ये दुआएं हमारे बुजुर्गों की खासतौर मियां खालिद हुसैन साहब की पूरी खलास की दुआएं काम ला रही है। हमारा कुछ इसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, हमारी तो दौड़ है ना, इसमें कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाए। लेकिन बा फजले खुदा मैं दावे से कह सकता हूँ आज तहसील दीपाल पतपुर के अंदर, तहसील पाकपतन के अंदर ऐसी सहूलियात जो मिंचनाबाद तहसील के अंदर, जो मैं कहा करता था कि हमारी तहसील अपर तहसीलों की तरह हो जाए, इस सड़कों के बनने से और इन हालात को तब्दील होने से और उसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग की जमात ने, खासतौर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो हमें वोटर वे का जो हिस्सा बनवा रहे हैं, तो बन रहा है, उसकी इब्तदा हो चुकी है, तो हम किसी से कम नहीं है। हम फख्र से कह सकेंगे कि हमारा भी एक इलाका है, हम एक इलाके में रहते हैं और वो भी